अस्सलाम वालेकुम दोस्त, तो ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तुसे ठीक हो सो? अल्लाह खुश रखे, वस्ते थे हंसते रहो, अल्लाह हर कोने ते कमजाब करे, मेरी दुआ है जिता पेर हुए उतना ही खैर। सीम नजर अल्लाह तुनो खुश रखे। हां जी, गनी भाई को लाए बैठे हैं। दयाले कौन सिरे बत बराबर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं वसीम नजर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं जा रहा हूँ फखर के हमारे एक मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनके पास, इंशाल्लाह उनसे मिलते हैं और कुछ बातें वगैरह होंगी। अब हम तैयार हो गए, बाइक मैंने निकाली है, बाइक पर शीशे लगाने हैं, मिरर नहीं लगे हुए, पहले वो लगाता हूँ उसके बाद हम निकलते हैं जी। ये शीशे मैं लगाने लगा हूँ, पहले नहीं लगे हुए थे क्योंकि बाइक जब ली थी तो उतार के रख दिए थे। अब ज़रूरत पड़ती है, हेलमेट वगैरह होता है तो पीछे नज़र कुछ नहीं आता। अब इसको लगाते हैं। एक शीशा लग गया हमारा, अब दूसरा लगाते हैं। ये दूसरा आ गया, लग गए शीशे। तो अब हम निकलते हैं, नदीम ने भी तैयारी की हुई है और इंशाल्लाह फिर रास्ते में आपको व्यू वगैरह भी दिखाते चलेंगे। और चले नदीम रनी बिहार के पास। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो सरेकी और उर्दू दोनों में होने वाला है, क्योंकि रनी भिरा जो है वो सरेकी है, सरेकी यूट्यूबर्स हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है हम सरेकी और उर्दू दोनों में वीडियो शूट करते हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे जो हैं सरेकी कल्चर के यूट्यूबर, हमें सही घर का नहीं पता रनी के घर का। हमारे साथ एक और बंदा जाएगा बरिया खान से और फिर हम वहाँ से आगे उसके साथ जाएंगे बरिया खान से आगे। ओके, हम घर की तरफ कभी नहीं गए पहले, इतना है तो अपना डिस्ट्रिक्ट ही है लेकिन इतना खास उस साइड का हमें पता नहीं है। वहाँ दरिया खान से हमारे साथ मुरैया अब्बास है, वो हमारे साथ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह रनी के आके घर की तरफ जाएंगे। दरिया खान के पास ही है। जी तो हम पहुंच गए हैं दरिया खान, यहाँ पर वो हमारा भाई वेट कर रहा है और वो हमें वो कर जाएगा आगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आगे हमें रास्ते का नहीं पता। और ये उसने कहा मैं हाशमी चौक का रुका हुआ, ये आगे हाशमी चौक बल्ले खान का और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस साइड पर खड़ा है। इस तरफ तो नहीं खड़ा, इसी तरफ कहा था भाई ने, यहाँ पर रोक कर देखते हैं। वो आ रहा है सामने लाल चादर वाला भाई, ये जी हम उसके यहाँ रुकते हैं जी। हमने दोस्त को उठा लिए कर लिया, अब हम
दरिया खान से निकल रहे हैं। ये दरिया खान दुल्हे वाला रोड है, इधर दुल्हे वाला है, उसी रोड पर हम जा रहे हैं। अनार शाह आएगा, भाई कह रहा है अनार शाह अड्डा, वहाँ पर जाकर उनका घर है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से टर्न करना है, ये इधर टर्न करना है। ये देखिए आप, शीशे का मुझे इतना फायदा हो रहा है कि मुझे पीछे नहीं देखना पड़ता, शीशे में देख के मैं पीछे वाली ट्रैफिक को फिर टर्न कर सकता हूँ। अगर ये ना होता तो फिर मुझे मसला बनता। ये देखें जी, रोड वगैरह अच्छा बना हुआ है। ये अनार शाह अड्डा, अनार शाह से हम इधर टर्न कर गए हैं। दरिया खान साइड वाली साइड से आए तो फिर राइट साइड पे टर्न करना है, और अगर दुल्हे वाला उधर से आए तो फिर आपने लेफ्ट साइड वाली साइड पे टर्न करना है। डगरवान है, यहीं पर उनका घर है, रानी बिराल है उनका, और अब आगे आएगा, वहाँ से हमने टर्न करना है, यहाँ से हमने टर्न करना है पीछे देखने। पीछे तो कुछ नहीं था, ये जी कच्चा रास्ता है, इस तरफ हमने जाना है रोड से उतर के, फिर ये मगरिब की तरफ रास्ता जा रहा है। रानी भिरा हमारे जो यूट्यूबर हैं उनका इलाका है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है रोड से नीचे की तरफ। हाँ, वो खड़े हैं जी, गनी का भाई खड़ा है, और गनी भी मेरे ख्याल में खड़ा है, गनी तो नहीं खड़ा, गनी का भाई खड़ा है। इन्होंने कहीं जाना था, ये खड़े हुए हैं फिलहाल हमारे लिए, ये यहाँ से जाना है जी। और वो कह रहे हैं उधर से आए, इधर से नहीं, हमें रास्ते का सही पता ही नहीं था। बोल गया है। हमारा जी जो क्या कहते हैं हमें गाइड करने वाला, वो भूल गए। ये जी हम पहुंच गए, ये है गनी भाई लोगों की जगह। ये कल का पानी चल रहा है इनका, ये वाली जगह है, यहाँ पर इन्होंने ये मीटअप सेटअप बनाया हुआ है। मैं अपनी चादर वगैरह उतार दूं जी फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठीक हो सेहत तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तुसे ठीक हो सो, अल्लाह खुश रखे, वस्ते ते हंसते रहो, अल्लाह हर कोने ते कामयाब करे, मेरी दुआ है जी तपेर वे उतना ही खैर। आज जी हम आए गनी भाई के पास, आप लोगों ने गनी भाई के तो तारुफ सुन लिया होगा, हमारे बखर के मशहूर।
दूर है यूट्यूब पर जाए तो हमें तो इस जगह का नहीं पता था, ये भाई हमें ले आए मुरीदाबाद। गनी भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। ला खुश रहे गनी भाई। उमे हिंजी में वीडियो भी नजर आने बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने कोई यो कोनी यानी के बंदा ही काखे ना नखरा वगैरह कोनी। हाँ बहुत खलूस वाले बंदे इन्होंने भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। ते उन्हां नाल ता थोड़ा तारुफ है गनी भाई तो अक्सर दे दरा ने वीडियो वगैरह गनी भाई बस कह रहा हूं वसीम नजर अल्लाह तुहानू खुश रखे। नदीम भाई तेरे फिर नदीम भाई ते नदीम भी नदीम अल्लाह खुश रखे वस्ता राम ये जगह है जी हम देखते रहते हैं अक्सर वीडियो वगैरह में गनी भाई के लिए हम स्पेशल गिफ्ट ले आए हैं। गनी भाई हाफिज कुरान है माशाल्लाह कुरान मजीद भाई हो रहा कितनी बात है अल्लाह खुश है। गनी भाई पर्सन सारे वास्ते दुआ करे सन इंशाल्लाह तारे वास्ते दुआ करे सन। गनी भाई माशाल्लाह हाफिज कुरान है माशाल्लाह नो भाई माशाल्लाह ये भाई भी है। अच्छा माशाल्लाह ये तो साईं ये कुरान मजीद अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। असन जी गनी भाई को लाए बैठे हैं अल्लाह खुश रखे नदीम वस्ता रामी दूसरा दा नी भी करे ये दुआई मांग जाना ये दुआई मांग जा अल्लाह खुश रखे क्यों ना तयाले कौन सेरे बद कितना दूर रहे बच्चे मास बराबर आ बराबर बराबर ते गया नदीम बराबर हो गया। अच्छा अल्लाह पे ते असा कोशिश करें दे पे बिल्कुल ना मेरे तो सिंपल देहाती गांव दी मतलब सारे नेड़े नेड़े ना थी वने ना जी का मतलब सब कोई परेशानी ना हो दूर दी या कोई बंदा पढ़ा लिखा ज्यादा यार ए ना हो ए बंदा जी ए इंशाल्लाह कोई मिलन बने ना गए खड़े गबरू गोला जी जी ओदे को दुआ वगे दे पावे अल्लाह पाक दा खली साहब दे कोई सेरा दा सिर्फ दुआ लगदा गले हां हां वो शादी हथी नहीं आ रही है ना आज फिरे तार या गबरू हाथ पे फेर है वे दे दा भी आवे चाय आ गई है जी माशाल्लाह। गनी भाई ने बड़ी खिदमत की है चाय वगैरह मंगवा लिया निमको वगैरह जुम्मे वाले दिन मैं भाइयों की खिदमत करे ना चाय निमको बिस्कुट तुसे माशाल्लाह खाओ चाय पियो दोस्त आए मेरे को मिलन ते गिफ्ट मेरे से सोना हमारे पास ये हम चाय वगैरह पीते हैं फिर इंशाल्लाह दिया उसे। गनी भाई ने जाना है जी कहीं अपने सफर पर गनी भाई से पहले हमारे लिए रुके हुए थे इंशाल्लाह फिर गनी भाई के पास चक्कर लगाते रहेंगे। सही तैयारी वगैरह करो तुसा मिलाओगा अपना शुरू ही नहीं किया जी दोस्तों हम इस टाइम निकल रहे हैं ये गनी भाई के घर की तरफ से। ये यहाँ से रोड थोड़ा खराब है गनी भाई को मिले हैं अल्लाह हाफिज किया जी उनको। गनी भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा है जी। गनी भाई लोगों ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है हमारे साथ वीडियो वगैरह भी बनाई है व्लॉग तो उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया था कहीं जाना था उन्होंने। जी दोस्तों हम गनी भाई को मिलकर अब जा रहे हैं वापस। ये गनी भाई का डेरा है इस तरफ ये जो सफेदे वगैरह के दरख्त लगे इनके साथ है और रास्ते में हमें ये फूल नजर आए हैं तो मुरीद भाई ने कहा है कि फूलों के साथ वीडियो बनाते हैं ये क्या
सरसों हाँ सरसों का फूल है। मुरीद भाई हमें स्पेशल लेकर आए थे गनी भाई के इलाके में, क्योंकि हमें इलाका का नहीं पता था गनी भाई के का, अब तो पता चल गया। इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे। नदीम है, मैं हूँ और हमारे साथ मुरीद भाई हैं। तो मुरीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें लेकर आए, हमारा तारुफ करवाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।